कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है, ए पियर की फराक वाली आ रहा इसमें ABCD कौना कौना के नहीं आता है। हाथ उठाइए जोर से, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो ई का मतलब क्या हो गया, 5। ज्योति यहाँ पे ताक रहा है, तो ज्योति का नंबर देखिए, आज हम लोग समझते हैं, ध्यान समझो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे ध्यान दो, कोडिंग एंड डिकोडिंग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि आखिर ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ना सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है ना सेना वाले डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। सेना वाले डिपार्टमेंट उन लोग का देखते हैं कोड वर्ड होता है अल्फा बीटा गामा, कुछ भी बोल देता है। इसका मतलब वो अल्फा बीटा गामा बोल रहा है लेकिन उसके द्वारा बहुत बड़ा वो क्या देता है, संदेश देता है। तो सेना वाला विभाग हो उसमें कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। जैसे ए को सी बना देगा, डी को एफ बना देगा, कैसे कैसे करके क्या कर देता है, उसमें कोडिंग डिकोडिंग करता है ताकि अपना गुप्त बातों को क्या कर सके, अच्छे से समझ सके। तो गुप्त बातों को अच्छे से समझना ही मेरा क्या कहलाता है, कोडिंग से डिकोडिंग कहलाता है। एक बात समझ क्लियर हुआ। जैसे दूसरा होता है गुप्तचर विभाग में, ठीक है। गुप्तचर विभाग में जैसे कि आप कहीं पे जाता है तो इसे कहता है कि हम ना कुछ भी बोल देगा, वो कोड बोल देगा, वो कोड आपको समझ में आता है और बस उसी को समझ में आता है, दूसरा किसी को कोड वो समझ में आने वाला नहीं है। तो इससे वो समझेगा कि ये मेरे डिपार्टमेंट का आदमी है, क्या समझेगा, मेरे डिपार्टमेंट का आदमी है। जैसे कि दोस्त सर में कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है, ए पियर की फराक वाली आ रहा लो ठीक रहा लगा, मतलब पियर की वाली यानी पियर की से क्या हो गया, किसी को कोडिंग डिकोडिंग किया है, क्या किया है, कोडिंग कर दिया है। जैसे ही पियर की बोलेगा ना तो दोसर गोरा समझे चाहे नहीं समझे, उसका दोस्त वाला समझ जाएगा कि वो कौन आया था कौन नहीं, ठीक है। आज देखे दो चार समझेगा, ऐसे समझेगा फिर कहेगा आज देखे दो तीन चार जो जिसमें बोलते थे ना वो जा रही थी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2-3-4 से कोनो को कोडिंग किया हुआ है कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग कभी खेले थे चाहे कुछ भी किए थे। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है किसी को ना इंकेट करना, क्या करना, किसी को अपने अपने भाषा में उसको क्या करना, कोडिंग कर देना, और उस भाषा को कुछ ही लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब पूरा इस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि किस चीज को, किसी चीज को अगर ए को अगर जेड कह देगा तो आप बी को क्या कहिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कोडिंग डिकोडिंग हम पूरा का पूरा यहाँ पे सिखाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले आपको नर्सरी क्लास पढ़ना होगा, कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले आपको क्या करना होगा, नर्सरी क्लास पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, इसमें पूरा का पूरा जो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है आपका ABCD का, किसका प्रयोग होता है, ABCD का, यानी कि ABCD का स्थान कौन सा स्थान कहां पे होगा, इस चीज को आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो पहले ये बताओ कि इसमें ABCD कौना कौना के नहीं आता है, हाथ उठाइए जोर से, ठीक है। ABCD कौना का नहीं, ABCD देखिए, ABCD सबको आता है, लेकिन यहाँ पे अब ABCD हमको नहीं पढ़ना है, अब हमको क्या करना है, उसका पोजीशन पढ़ना है, यानी कि उसका स्थान पढ़ना है कि A का स्थान कौन सा होगा। बताइए ABCD में टोटल लेटर कितना का होता है, 26। उस 26 में अगर 26 का हमको क्या सीखना है, स्थान सीखना है कि A का स्थान क्या होगा, B का स्थान क्या होगा, C का स्थान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको स्थान सबको पता हो चाहे नहीं हो, ठीक है, बहुत लोगों को होता है बहुत लोगों को नहीं होता है, लेकिन हम एक टीचर है तो मेरा टीचर का क्या काम है, टीचर का काम है कि आपको पता हो चाहे नहीं हो, हमको क्या करना है, आपको याद करवाना है, हमको क्या करना है, याद करवाना है। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे क्लास में, आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि उसमें पोजिशन आप कभी नहीं भूलिएगा, आप अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन ए का स्थान कौन सा होता है, एल का स्थान कौन सा होता है, टी का स्थान कौन सा होता है, ये आप कभी नहीं भूलिएगा। जैसे कि हम बोले टी का स्थान कौन सा होता है, तो टी का स्थान कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। अब यू का स्थान कितना होता है, तो इसमें बहुत लोगों को पता होगा बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इस चीज को अभी हम क्या करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। तो देखिएगा आप कभी भी ABCD, अब कितना गोरा क्या होता है सोचता है हम इसको लिखे का, इसको हम याद कहला करें, हम तो एग्जाम में आता है तो लिखिए लेते हैं ABCD, ठीक है। तो उसका भी ट्रिक बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में भी लिखिएगा ना ABCD तो सब क्या करने जाते हैं, लाइन से लिखता है ए से जेड तक, ठीक है। तो उस तरह से नहीं लिखना है, ABCD को कैसे लिखना है सीखिए। ABCD को लिखना है ए से शुरुआत करना है, ABCD EFGHIJKLM, ये आपका M तक आके ना आधा ABCD हो जाता है, कितना हो जाता है, आधा ABCD हो जाता है। तो आधा ABCD को आपको सीधा लिख देना है, आधा ABCD को इस तरह से लिख देना है, आधा ABCD को उल्टा लिखना है, क्या करना है, और इधर से देखिए M का N, इसका O, इसका P, उसके बाद Q, उसके बाद R, उसके बाद S, उसके अब बोलेगा कोई नहीं, ठीक है, टी, उसके बाद
यू, उसके बाद वी, डब्लू हो जाएगा, एक्स वाई और क्या हो जाएगा जेड। ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, इसी तरह से लिखना है। ऐसे लिखने से आपको डबल फायदा होगा, एक तो इसका क्या होगा अपोजिट आपका याद हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा यहीं पे याद हो जाएगा। देखिए ये सब हम क्या लिख दे, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, तो पहले हम अपोजिट नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम सिखा रहे हैं मान, यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं मान सिखा रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भी का नंबर कितना होता है, तो सीधा आप एक बार में बोल दीजिए, सीधा बोल दीजिए कि भी का नंबर कितना होता है 22। अगर आपसे पूछ दे कि डब्लू का कितना होता है, सीधा बोल दीजिए 23। और पूछ दे कि एच का मान कितना होता है, तो सीधा आप बोल दीजिए कितना 8। तो ये सारा का सारा चीज एक बार में और एग्जाम में कितना जल्दी आएगा, इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं अभी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं इधर से, हम शुरुआत करते हैं कहां से, इधर से शुरुआत करते हैं। बताइए T20 कल मैच हुआ था, ठीक है, T20 मैच हुआ था, उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान बुरी तरह से क्या हो गया, हार गए, एकदम उनका क्या हो गया सुपर फार हो गया। अब यहाँ पे देखो हार हो चाहे कैसे हो, भारत से हारा तो बुरी तरह से ही हारा, ठीक है, चाहे एक विकेट से हारे चाहे एक रन से हारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, ध्यान समझिएगा, टी का टी से याद रखिएगा T20, टी से टी का नंबर याद क्या रखना है T20, तो टी का नंबर कितना हो गया 20, टी का नंबर कितना हो गया 20, टी का नंबर याद हो गया 20। अब इसी तरह से हम तीन गो अक्षर पकड़ते हैं आपके सामने, पकड़ रहे हैं भी डब्लू एक्स, तीन गो नंबर को याद कीजिएगा। इस तीन गो नंबर को याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए भी डब्लू और एक्स, देखिए भी में ऊपर कै गो माथा दिखाई दे रहा है दो गो, भी में ऊपर कै गो माथा दिखाई दे रहा है दो गो, तो क्या कीजिएगा दो पे दो बैठा दीजिएगा, दो पे दो, तो कितना हो गया इसका नंबर 22, भी का नंबर 22, भी का नंबर कितना हो गया 22। अब देखिए कितना है डब्लू है, तो डब्लू के ऊपर कै गो माथा दिखाई दे रहा है 1 2 3 डब्लू। अच्छा इसको इस तरह से ना को रिलेट करके याद नहीं रखना है कि भी का 22 हो गया तो भी के बाद डब्लू आता है तो उसका 23 हो जाएगा, ऐसे याद नहीं रखना है, स्पेशल स्पेशल याद रखना है। जैसे भी का कितना हो गया 22, भी का कितना हो गया 22, तो डब्लू का कितना हो जाएगा, तो डब्लू पे कितना माथा दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो दो पे कितना बैठा देना है 3, तो भी का नंबर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो इसका कै गो माथा दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, तो दो पे क्या अंक 4, तो इसका नंबर कितना हो गया 24, इसका कितना हो गया 24। ये बताइए टी का नंबर, टी का नंबर 20, डब्लू का नंबर, डब्लू का नंबर कितना हो जाएगा 23, डब्लू पे क्या गो माथा 3 गो, तो डब्लू का कितना हो जाएगा 2 पे 3, तो कितना हो गया 23। अब बताइए एक्स पर कितना हो जाएगा, कै गो माथा दिखाई दे रहा है, तो इसका कितना हो गया 24, और इस पे कै गो माथा दिखाई दे रहा है दो, तो दो पे दो बैठा दीजिए, कितना हो गया 22। तो भी डब्लू एक्स का याद हुआ, ए भी डब्लू एक्स का याद हो गया कि नहीं, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं किसका, पी क्यू आर एस का, ध्यान समझिए अब किसका सीखने जा रहे हैं, देखिए ये पी का क्यू का आर का और एस का, इसको हम हटाते हैं, अब इसको क्या करते हैं हटा रहे हैं, अब सीखिएगा आप लोग पी, हल्ला नहीं करो यहाँ पे समझो, पी क्यू आर और एस। अब देखिए पी का हम ध्यान देते हैं, ठीक है, पी को कैसे याद रखेगा, तो इसको एक कहानी के तरफ से याद रखे, ठीक है। पी से समझिए कि एक पन्ना लाल का व्यक्ति था, पन्ना लाल का आदमी था, ध्यान समझिए पन्ना लाल का आदमी था, उसका उम्र जब था 16 साल, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ठीक है। तो इसका उम्र कितना है, पी का पन्ना लाल व्यक्ति का उम्र कितना है 16 वर्ष, इसका उम्र कितना हो गया 16 वर्ष, यानी पी का नंबर कितना हो गया 16, पी का उम्र कितना हो गया 16, ठीक है। ये छोटा ना थोड़ा सा गड़बड़ आदमी था, ये बाल विवाह करना चाहता था, ठीक है, इस 16 साल के उम्र में सोच रहा है, ये 16 साल में, 16 साल का है, इस 17 साल के उम्र में सोचने लगा कि क्यों करे शादी, क्यों करे शादी, देखिए कितना में सोचा क्यों करे शादी, तो क्यों, क्यों का कितना हो गया 17, क्यों कि क्यों करे शादी कितना साल में सोचने लगा 17 साल में सोचने लगा, तो क्यों का नंबर कितना हो गया 17, क्यों का नंबर कितना हो गया 17। अब देखिए आर, ए देखो आर, बोलिए मेरे साथ बोलिए आर 18, आर 18, तो देखिए तो आर में 18 मैच कर रहा है कि नहीं, आर में 18 मैच कर रहा है, तो आर का नंबर कितना हो जाएगा 18, यानी कि ध्यान समझो आर का नंबर कितना हो गया 18, आर के में 18, यानी मैचिंग हो रहा है कि नहीं, तो देखिए क्यू पी करेगा, पी 16 साल का था, क्यू करेगा शादी कितना में सोचा 17 में, 18 साल के उम्र में उसको मैचिंग की लड़की मिल गई,
18 साल में मैचिंग की लड़की मिल गई, ठीक है। तो आर 18 बोलने पे मैच खा रहा है कि नहीं, तो 18 साल में यानी कि आर 18 में उसको क्या हो गया, मैचिंग की लड़की मिल गई। अब एस 4 शादी, एस 4 क्या होता है, शादी। उस शादी कौन उम्र में कर लेगा, 19 साल में कर लेगा। तो पन्नालाल का शादी कितना साल में हो गया, 19 साल में हो गया। तो एस का नंबर कितना हो गया, 19। एस का नंबर कितना हो गया, 19। याद हुआ कि नहीं बताइए। पी का नंबर 16, पन्नालाल 16 साल का। क्यू का नंबर 17, क्यू करेगा शादी कितना साल में, सोचा 17 साल में। आर 18 मैच कर रहा है यानी उसकी मैच की लड़की कितना साल में मिल गई, 18 साल में। और शादी कब कर लिया, 19 साल में। एस 4 शादी यानी शादी कितना साल में कर लिया, 19 साल में कर लिया। तो बताइए एस का नंबर कितना, अब हम तोप देते हैं, बताइए एस का नंबर। डब्लू का नंबर सोच के बोलिए, डब्ल्यू का नंबर 23। बी का नंबर, पी का नंबर, पी का नंबर कितना, 16। बताइए भी थी भी का नंबर 22। उसके बाद बताइए आर का नंबर 18 मैच कर रहा है। एस का नंबर, एस का नंबर 19। क्यू का नंबर, क्यू का नंबर 17। इतना याद हुआ, एक एक करके टुकड़ा टुकड़ा करके याद कराएंगे। इतना याद हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो देखिए अब इधर से याद कर लिए हम पी क्यू आर एस टी और वी डब्ल्यू एक्स वाई को क्या कर लिए, याद कर लिए। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से और समझना, कुछ कुछ लेटर ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लेटर ऐसा होता है जिसका नंबर उसी में छुपा होता है, जिसका नंबर क्या होता है, उसी में छुपा होता है। पी क्यू आर एस याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिएगा, कल हम पूछेंगे, जो नहीं याद करके आएगा उसका पुट्ठा फाड़ेंगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अभी हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, सबका नंबर आप लोग से पूछ के लिखेंगे। देखिए यहाँ पे टी हो गया। अब देखिए कुछ कुछ जैसे हम नंबर लेते हैं, कुछ कुछ नंबर लेते हैं, जैसे कि ध्यान दो, एच, एच ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या ले लीजिए, जी ले लीजिए, क्या करते हैं, जी ले लेते हैं, ठीक है। एच कौन सा ले लिए, एच ले लिए, जी ले लिए, ठीक है। उसके बाद आप के ले लीजिए, उसके बाद कौन सा नंबर लेना है, के ले लेना है। उसके बाद एल डालने दीजिए, एम पी डालने दीजिए। एच कौन आ गया, देखिए एच आ गया, जी आ गया और के आ गया। बताइए एच का नंबर आपको याद करना है, ध्यान समझो, एच का नंबर याद करना है। तो एच का नंबर होता है 8, कैसे देखिए, ऊपर से बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, तो 8 की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, 8 की तरह दिखाई दे रहा है। तो एच का इसी में छुपा हुआ है, ऊपर नीचे कर दीजिए तो क्या हो गया, 8 की तरह हो गया। तो एच का नंबर कितना हो गया, 8। एच का नंबर कितना हो गया, 8। ये देखो तो जी, जी देखना अलग अलग याद करके देखना, जी तो देखो तो 7 की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, 7 की तरह दिखाई दे रहा है। तो जी का देखिए, जी लिखा हो रहा है, जी इस तरह से लिखते हैं ना, थोड़ा बन गया, कहेगा सर अपने से बना रहा है, ऐसे लिख लो, ऐसे हो गया। तो देखो तो 7 की तरह दिखाई दे रहा है, तो जी का नंबर कितना हो गया, जी 7। जी का नंबर कितना हो गया, 7। अब बताइए के पहले एक और अंक बैठा दीजिए, के पहले क्या हो गया, एक और अंक बैठा दीजिए, तो के का नंबर कितना हो गया, 11। के का नंबर कितना हो गया, 11। समझ में आया, के का नंबर कितना हो गया, 11। अब बताइए, अब तीनों का नंबर हम कुछ हटाते हैं, तीनों का नंबर क्या कर रहा है, हटा रहा है। बताइए एच का नंबर, जी का नंबर, के का नंबर, 11। याद हुआ कि नहीं, ठीक है। 8, 7, 11 कितना हो गया, मतलब अलग अलग याद करना, इसीलिए हम अलग अलग लिखे हैं, कहीं कहीं से अंक मिला रहा है। तो बताइए जी का तोप देते हैं, बताओ एच का नंबर, जी का नंबर, के का नंबर, पी का नंबर, बी का नंबर, डब्ल्यू का नंबर, टी का नंबर, सबको याद है, क्यू का नंबर, क्यू का नंबर 17। उसके बाद बताइए एस का नंबर, आर का नंबर, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए ए, आप देखिए आगे समझो, यहाँ पे अब देखो एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है जो पहले से बहुत आदमी जानता है, इसको ई जुए थी, क्या होता है, ई जुए टी वाई, ऐसे होता है ना, ठीक है, ई ज्वेति होता है, इसका नंबर क्या होता है, ई ज्वेति। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ई का मतलब 5, ई कितना कितना के गैप पे रहता है, 5-5 के गैप पे रहता है। तो बताइए ई का नंबर कितना हो गया, 5। जे का नंबर 10, जे का नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। ओ का नंबर 15, ओ का नंबर कितना हो गया, 15। और टी का तो नंबर अभी बताया है 20 होता है, तो इसको इस तरह से भी याद रखिए, इसका कितना हो गया, 20। और वाई का नंबर कितना हो गया, 25। तो ई ज्योति से आपको क्या याद रखना है, ई ज्योति से आप बहुत लोग ई ज्योति से क्या याद रखना है,
5, 10, 15, 20, 25 बताइए ई का नंबर 5, जे का नंबर, ओ का नंबर, टी का नंबर 20, टी का नंबर कितना हो गया 20। अब पूरा पूछ रहे हैं, अब कितना फिर से पूरा बताइए, बताइए ओ का नंबर, ओ का नंबर, ई का नंबर, वाई का नंबर, क्यू का नंबर, 23 किसका नंबर, हाँ 22 किसका नंबर, 20 का, ठीक है कोई दिक्कत, 22 किसका नंबर हो जाएगा, बी का, कहीं से किसी को प्रॉब्लम इसमें। आप बताइए आप याद क्या क्या कर लिए, अब यहाँ पे लिखते हैं आप याद क्या कर लिए, देखिए अब ऊपर से तीन को याद कीजिए, अब शुरू से याद करते हैं A4, A5, तो ये तो आपको याद होगा कि A का नंबर कितना होता है, एक होता है, A का नंबर एक, B का नंबर दो और C का नंबर तीन, C का नंबर कितना हो गया 3। अब इतना भी नहीं याद है, इसका भी ट्रिक चाहिए, ठीक है, A का नंबर कितना 1, B का 2 और C का कितना हो गया 3 और D का याद रखिए मार के फोर देम, तो दे में D आ रहा है ना, तो देखिए मार के फोर देम यानी D का नंबर कितना आ गया 4, फोर देम, तो फोर देम कहां से आ गया 4 में, तो D का नंबर कितना हो गया 4, D का नंबर कितना हो गया 4 हो गया, D का नंबर 4। अब देखिए इसमें ना ए डी का नंबर कितना हो गया 7, ई का नंबर कितना आ जाएगा 5, ई का नंबर 5। अब देखो एफ में भी 6 छुपा रहता है, एफ में थोड़ा सा घुमा दीजिए तो एफ का नंबर कितना हो जाता है 6, एफ का नंबर कितना हो गया, या इस तरह से है या इस तरह से याद रखिएगा एफ सिक्स, एफ का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो एफ का नंबर कितना हो गया 6, एफ का नंबर 6। अब ऊपर से 6 को पूछते हैं ये वाला, चलिए बताइए ई का नंबर 5, अभी ई को हम क्या थी ट्रिक के द्वारा बताएं, ई का नंबर कितना हो गया 5, एफ का नंबर 6, एफ का नंबर 6। अब बताइए डी का नंबर, डी का नंबर 4, ए का नंबर, ए का नंबर 1। अब बताओ बी का नंबर 4, कौन नहीं ना बोल रहा है नहीं, तो बी का नंबर कितना 2, बी का नंबर 2 और सी का 3, तो इस तरह से ए से लेकर कितना हो गया एफ तक। अब बताइए जी का नंबर, अभी बताएं जी का नंबर कितना, ठीक द्वारा बता दिए, एच का नंबर 8। अब ना मैचिंग वाला एक और मिलता है आई नाइन, आई का नंबर कितना 9, आई का नंबर 9, तो देखो बोलो आई नाइन, ठीक है, तो देखो मैचिंग कर रहा है कि नहीं, आई का नंबर मैचिंग कर रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आई नाइन, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा 9, आई का नंबर 9। अभी बताए ए ई जो है बताए, तो ई का मतलब क्या हो गया 5, ज्योति यहाँ पे ताक रहा है, तो ज्योति का नंबर 10, ठीक है। अभी के का नंबर बताएं, के का नंबर कितना होगा 11, के का नंबर 11। अब देखिए एल का नंबर इसके बाद क्या जाएगा 12। अब देखिए M4 मेरा नाम याद रखिएगा मनीष, ठीक है, M4 मनीष सर, और उनका नंबर कितना है 13, कितना है 13, तो M का नंबर कितना हो जाएगा 13। हम अपना नाम से हम अपना याद किए थे M4 13, कितना हो जाएगा 13। आप लोग तो एक और लेटर ऐसा ही याद रहेगा, अपना अपना नाम से एक लेटर याद कर लीजिएगा, तो जैसे मेरा नाम मनीष है तो हम अपना याद क्या चीज से किए थे 13 से, हम अपना क्या याद किए थे 13 से, ठीक है, और N का कितना हो जाएगा बोलो तो 14, तो 13 14, ध्यान समझो 13 14 एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं इसलिए भी क्या होता है याद होता है, तो एन का नंबर एम का नंबर कितना 13, एन का नंबर कितना हो गया 13 हो गया, और एन ए भगा देंगे क्लास से, एम का नंबर कितना आ गया 13 और एन का कितना आ गया 14। अब बताइए अब सबका ट्रिक पता, ओ का नंबर बताओ, ओ का कितना हो गया 15, पी का, क्यू करेगा शादी 17 साल में, आर मैचिंग की लड़की कब मिल गई 18, शादी कब कर लिया 19 साल में, ज्यादा उतावला था, कितना साल में शादी कर लिया 19 साल में, T20 मैच 20, यू का याद रखिएगा 21, यू का कितना हो जाएगा 21। ए यहाँ पे समझो ऊपर का एगो माथा दिखाई दे रहा है 2 गो, तो कितना हो जाएगा 2 पे 2, ऊपर का एगो माथा दिखाई दे रहा है 3 गो, तो 2 पे का एगो 3 गो यानी कि 23, का एगो माथा दिखाई दे रहा है 4 गो, तो कितना हो जाएगा 2 पे 4,
वाई, वाई का मतलब ई जो है ती, यानी कि 25, इसका कितना हो जाएगा 25। और जेड का, ए जेड का मतलब, जेड का मतलब क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26। इस तरह से आपका पूरा जो है ए बी सी डी का स्थान आपको हम क्या किए बता दिए, यानी कि पूरा इसका पोजीशन आपको क्या किए बता दिए। पोजीशन आप कभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा अगर भूलिएगा तो पिटाइएगा, पिटाइएगा क्लास से निकाल देंगे, ठीक है। कल ले आपको और इसको अपने तरीके से क्या करना है, याद करके आना है। कल इसका याद करवाएंगे अपोजिट, कल क्या याद करवाएंगे इसका अपोजिट, आप फिर कहाँ ले जाएंगे क्वेश्चन पे। बात समझ में आया, तब तक के लिए आप लोग घर जाइए। जय हिंद, चलिए।